के अंदर आपको सबसे ज्यादा जो चीज याद आई वो क्या थी? याद मुझे कॉफी की आई, कॉफी नहीं पी थी, एस्प्रेसो डबल शॉट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों शेर अफजल मरवत आजकल सबके लिए दर्दे सर बने हुए हैं। इनके मुखालफीन भी इनको ज्यादा देर जेल में न रख सके। खान साहब के जेल जाने के बाद मरवत साहब ने न सिर्फ पीटीआई को संभाला बल्कि उनका मजाही अंदाज लोगों को काफी पसंद भी आया। उनका अंदाज और उनका स्टाइल देखकर आप लोग भी उनके दीवाने बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शेर अफजल मरवत के कुछ मजाया तरीन लम्हात दिखाने वाले हैं, मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों शेर अफजल मरवत के साथ सहाफियों की नोक जोक जारी रहती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सहाफी ने मरवत साहब को बुजुर्ग कह दिया, जिस पर मरवत साहब गुस्सा हुए और कहा कि कमबख्तो अभी तो मेरे सर के बाल भी सफेद नहीं हुए। बाल कुदरती काले हैं, कोई रंग नहीं हुआ है, आज तक जिंदगी में रंग नहीं लगाया है, नंबर वन। अच्छा ठीक है, समझ गया। और नंबर दो, आपकी इस बात पे मुझे बड़ा शदीद में एहतजाज रिकॉर्ड करता हूँ, मैं सीनियर सिटीजन कहाँ से हो गया कमबख्त? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जवान आप मेरे साथ खड़े हो जाएं और कैमरे में आपको भी दिखा दे, मुझे भी दे भाई। दोस्तों शेर अफजल मरवत का कहना है कि जेल में मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया गया और ये सब कुछ मरियम नवाज की इमाम पर किया गया, लेकिन इसके बावजूद उनका मुझे जेल में रखने का प्रोग्राम बढ़ गया। गिरफ्तार कर लिया गया मरियम नवाज की इमाम पे, जेल के अंदर मेरे साथ इंतहाई बुरा सलूक किया। मरवत साहब, गिरफ्तारी का प्रोग्राम बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। यहाँ पर मरवत साहब को बाइकर्स टक्कर गए, मरवत साहब ने उनको भी नहीं छोड़ा। ये आप सब दाढ़ी बरदार हैं सर, ये दाढ़ी है। मैंने तो अभी छोड़ी है रिसेंटली। अच्छा हाँ, तो वो जो छोड़ी है सिर्फ दाढ़ी, सिर्फ दाढ़ी छोड़ी। दोस्तों शेर अफजल मरवत को लोटो से बहुत प्यार है। आजकल मरवत साहब ने एक लोटे को स्टेज की जीनत भी बनाया हुआ है। जरा सुनिए मरवत साहब खान को छोड़ने वाले लोटो के बारे में क्या कह रहे हैं। स्टेज पे पड़ा हुआ लोटा, ये अकासी करता है तमाम महमूद खानों की, तमाम परवेज खटकों की और उन तमाम दगाबाजों की जिन्होंने 9 मई के बाद खान का साथ छोड़ा है। ये तुम्हारी असली शक्ल है, ये तुम हो। और हमेशा आवाम ने लोटो पे लानत भेजा, एक दफा फिर लानत। शेर अफजल मरवत कभी भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आते, यहाँ पर भी वो अपनी वारदात डाल गए। दोस्तों शेर अफजल मरवत ने नवाज शरीफ के बेटों के नए नाम भी रख लिए हैं। सैंडविच हुए में जिसके ये बेटे अंगलू बांगलू और बेटी नहीं, ऐसे ऐसे इन सब ने भी नहीं, अगर वो नाम बिगाड़ेंगे कोई ना बिगाड़े, तो अल्लाह ने भी तो बांध दिया। मैंने ऐसे कहा था कोई। इस बारे में जब मरवत साहब से पूछा गया तो उन्होंने कुछ यूं जवाब दिया। अच्छा मरवत साहब, ये आंगड़ू बांगड़ू तांगड़ू आपने एक जगह पे बोला, ये आंगड़ू बांगड़ू तांगड़ू है क्या? सारा पाकिस्तान उनको पहचान गया है। इंशाल्लाह आने वाली किताबों में बड़े को आंगड़ू और छोटे को बांगड़ू कहा जाएगा। यही नहीं दोस्तों, आपने शेर अफजल मरवत को हमेशा मुस्कुराते और हंसी मजाक करते हुए देखा होगा। आज हम आपको मरवत साहब का गुस्सा भी दिखाते हैं। यार खुदा रसूल की खातिर कुछ तो हया करो। आप शोर बंद नहीं करते, मैं चला जाऊं फिर आपको ये कन्वेंशन रखने का जरूरत ही नहीं थी इतना शोर करने। प्रोग्राम तो बढ़ गया। इस वक्त पूरी नून लीग मियां साहब को वजीर आजम बनाने पर तुली हुई है।
दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ने नून लीग को वजारत उज़्मा के लिए एक नया नाम भी तजवीज किया है और वो नया नाम किसका है चलिए शेर अफजल मरवत से ही सुन लेते हैं। सर नून लीग कह रही है कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ ही होगा, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नून लीग को मशवरा दूंगा कि उनके पास इससे बेहतर एक शख्सियत है, उसको ये वजीर आजम बना दे और पूरी नून लीग जो है उस पर फख्र भी करेगी। इना परवेज भट्ट साहिबा का मेरा नाम। अच्छा दोस्तों हमारी आवाम ने भी ना सुधरने की कसम खाई है। छोटे इमरान खान के बाद छोटा शेर अफजल भी मैदान में आ गया है। नो 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 शेर अफजल मरवत कभी भी पंजाबी बोलने से बाज नहीं आते, ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी टूटी हुई पंजाबी का तड़का जरूर लगाते हैं। यहाँ पर भी मरवत साहब ने नवाज शरीफ की दुलाई कर दी। साबित करेंगे कि ये लीडर जो है ये गवालमंडी के कलके से कोसलर भी नहीं बन सकता है। न गवाल मंडी रही न लाहौर रहा और न जाग पंजाबी जाग तेरे पग नो लग गया दाग, उन कोई दाग नहीं है, उन जेड़ा है एक पाकिस्तान है तो एक इमरान खान है, बाकी आसा तुसा नो दसा छोड़ सी इलेक्शन आउन दे। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों लोग जब जेल में जाते हैं तो उनको बहुत सारी चीजों की याद आती है, लेकिन मरवत साहब को जेल में भी सिर्फ कॉफी की ही याद आई। के अंदर आपको सबसे ज्यादा जो चीज याद आई वो क्या थी? याद मुझे कॉफी की आई। कॉफी नहीं पीती है, एस्प्रेसो डबल शॉट। इसी तरह एक मौके पर शेर अफजल मरवत साहब सिगरेट पी रहे थे, इस पर किसी ने चरसी जानान वाला गाना लगा दिया और मरवत साहब को चरसी मशहूर कर दिया। सर वो आखिर ही बताइए आपकी वीडियो जो वायरल हो गई है उस हवाले से क्या कहेंगे लोगों ने, किस तरह आपको? कौन सी वीडियो? जो आप जिक्र कर रहे थे वीडियो मेरे वायरल। यार वो मैं सिगरेट पी रहा हूँ, आप लोगों ने चरसी जाना ना पता का खौफ करो यार। यही नहीं दोस्तों शेर अफजल मरवत मियां साहब को ट्रोल करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते, बल्कि अब तो मरवत साहब ने मियां साहब को जलसा जलसा खेलने का चैलेंज भी दे दिया है। आ जाए मियां नवाज शरीफ मैदान वो मुंतखब कर ले, हमें भी और उन्हें भी उस इशार में एक दिन जलसे की इजाजत दे दे। अगर 10 गुना क्राउड हम उससे ज्यादा न ला सके तो मैं कम अज कम ये ऐलान जरूर करूंगा कि मैं नवाज शरीफ से हार मान गया। आ जाए। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।